हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम वापस से आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहे हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है अपनी कार या अपने टू व्हीलर को एक सिटी से दूसरे सिटी में कैसे ट्रांसपोर्ट करें। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को ये क्वेश्चन रहेगा कि मेरा फोर व्हीलर है या मेरी टू व्हीलर है और वो मेरी वर्किंग सिटी में, जहां आप जॉब करते हैं वहां है, और अभी ड्यू टू लॉकडाउन हम लोग अपने घर आए हुए हैं, अपने होम टाउन में आए हुए हैं, तो वहां उसे कैसे ट्रांसपोर्ट करें। एक तरीका हो सकता है कि आप लोग खुद ड्राइव करके लाएं, बट बहुत सारे लोगों के साथ ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो नए ड्राइवर्स हैं या वो लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हैं इंडियन रोड्स पे इतना लंबा ड्राइव करने के लिए। तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन है हम लोग अपनी कार या टू व्हीलर जो है वो ट्रांसपोर्ट करा लें। और मैंने भी यही सेकेंड ऑप्शन अपनाया। मैंने मेरी वर्किंग लोकेशन जो है वो पुणे है, और इस लॉकडाउन के चलते मैं अपने होम टाउन जयपुर आ गया था और मेरी कार जो है वो मेरे पुणे वाले फ्लैट पे खड़ी थी, तो काफी दिनों तक वो वहीं खड़ी रही। और फिर मुझे लगा कि कोई सेंस नहीं बनता, तो मुझे मेरी कार अपने होम टाउन जयपुर ट्रांसपोर्ट करा लेनी चाहिए। और उसी के चलते मैंने अपनी कार को जो है जयपुर ट्रांसपोर्ट कराया एक ट्रांसपोर्टर कंपनी की हेल्प से। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग भी आसान तरीके से अपनी कार या टू व्हीलर एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली कार को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने ऑनलाइन बहुत सर्च किया कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल हैं जो जयपुर पुणे के बीच में ये सर्विस देते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, और मुझे बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स के यू नो रेफरेंस मिले। बट अगर आप देखेंगे और अगर आप खुद भी सर्च करेंगे तो बड़ा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स के जो है वो ऐड रहते हैं लेकिन आप उनके कॉन्टेक्ट करेंगे या उनका रेफरेंस या उनका यू नो रिव्यूज देखना चाहेंगे तो वो अवेलेबल नहीं होता। तो एक ऑप्शन है कि आप नामी गिरामी ट्रांसपोर्टर के साथ जाएं, जैसे अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स और बहुत सारे और भी हैं। तो पहला ऑप्शन मैंने ये देखा कि मैंने अग्रवाल वालों से कोटेशन लिया और उन्होंने मुझे लगभग 16,000 का कोटेशन दिया था, जिसमें उन्होंने मुझे बोला था कि लगभग यू नो 2 से 3 हफ्ते में वो लोग गाड़ी ट्रांसपोर्ट कर देंगे। इन बिटवीन मेरे भी एक फ्रेंड है जिनका लोकल ट्रांसपोर्ट का काम रहता है, तो उन्होंने मुझे एक रेफरेंस दिया। वो लोग भी जयपुर पुणे के बीच में ट्रांसपोर्टेशन काम करते थे। अच्छा, अगर आपकी जो टू व्हीलर आप या फोर व्हीलर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो इसके लिए नॉर्मल ट्रक्स में लोग ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, इसके लिए कार कैरियर्स अलग से होते हैं। तो बेसिकली ये स्पेसिफिक लोग होते हैं जो ये काम करते हैं, तो आपको उन्हीं से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया और हम लोगों ने लगभग 13,000 रुपये में डील फाइनल करी। और उसके बाद प्रोसेस की फॉर्म में उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें आपसे चाहिए होता है गाड़ी की आरसी की कॉपी, आपके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और आपसे एक एनओसी लेटर कि आपकी गाड़ी ट्रांसपोर्ट करनी है। तो बेसिकली ये सब डॉक्यूमेंट्स उनको लगते हैं। तो फिर जब हमारी डील फाइनल हो गई तो उनका बंदा मेरी गाड़ी लेने के लिए पुणे के एड्रेस पे चला गया। और जब आपकी गाड़ी वो लोग रिसीव करते हैं तो उससे सबसे पहले वो आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन में वो लोग चेक करते हैं कि आपकी गाड़ी पे एग्जिस्टिंग कोई डेंट वगैरह है, कोई किसी तरह का कोई इशू है यू नो, और इसके अलावा आप गाड़ी में क्या क्या सामान उस टाइम पे प्रेजेंट है, जैसे कि गाड़ी में अगर आपने अलग से आपका स्टीरियो सिस्टम लगा हुआ है गाड़ी में, अगर जैसे मेरी गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है तो कैमरा है, या इसके अलावा भी अलग कोई और एसेसरीज वगैरह कुछ लगा हुआ है, तो वो सब चीज़ें वो लोग चेक करते हैं और अपनी चेकलिस्ट में डालते हैं। ये चेकलिस्ट क्यों बनाते हैं, चेकलिस्ट बनाने के पीछे रीजन ये है कि कस्टमर ने जब गाड़ी उनको हैंड ओवर करी तो उस वक्त की गाड़ी की कंडीशन क्या थी, और जब कस्टमर वापस से गाड़ी रिसीव करेगा तो उस वक्त गाड़ी की कंडीशन को वो लोग उस अपना जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया उससे वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर किसी भी तरह का लेट से ट्रांसपोर्टेशन में कोई डैमेज हुआ या कोई सामान चोरी हुआ या कुछ इशू आया तो आप उस डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं। तो बेसिकली एक तरह का एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट रहता है, इसे हम चेकलिस्ट इंस्पेक्शन चेकलिस्ट बोलते हैं। तो उनका बंदा आया, उसने मेरी गाड़ी जो है रिसीव कर ली और उसने एक इंस्पेक्शन चेकलिस्ट बना के हमें दे दी। जब आप गाड़ी उसे हैंडओवर करते हैं तो वो लोग आपको एक बिल्टी भी प्रोवाइड करते हैं। अब ये बिल्टी क्या होती है, बिल्टी बेसिकली वो डॉक्यूमेंट होता है जिसे दिखा के आप गाड़ी रिसीव करेंगे या अपना सामान रिसीव करते हैं। सो ट्रांसपोर्ट की लैंग्वेज में या ट्रांसपोर्ट के वर्ड में ये बिल्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको वो बिल्टी भी उससे लेनी है। तो उसने हमें एक बिल्टी दी और उसके बाद वो गाड़ी लेके चला गया। उसके बाद उन लोगों ने लगभग 2 से 2.5 हफ्ते में मेरी गाड़ी जो है जयपुर पहुंचा दी ट्रक से, और यहाँ पर मैंने वो बिल्टी को दिखाकर गाड़ी रिसीव कर ली। तो बेसिकली ये हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करने का। इसमें मेजरली कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, तो बेसिकली ये तो ओवरऑल डिस्कशन हो गया कि गाड़ी कैसे आप ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए
इस पूरी प्रोसेस में। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है, जब आप गाड़ी उसे हैंडओवर कर रहे हैं और जब वो लोग चेकलिस्ट बना रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप उस चेकलिस्ट में छोटी से छोटी चीज भी इंक्लूड करा रहे हैं, जैसे गाड़ी में चार व्हील कैप लगे हुए हैं, अगर आपकी गाड़ी की स्टेयरिंग के ऊपर कवर लगा हुआ है तो ये चीज भी आप उसमें इंक्लूड करा रहे हैं, अगर आपने गाड़ी में के साथ उन्हें कवर दे रहे हैं, गाड़ी को कवर दे रहे हैं, तो वो भी आप उसमें इंक्लूड कराएं। ये सब चीजें ध्यान रखें। दूसरा मेजर पॉइंट, आप खुद अपनी गाड़ी का एक वीडियो बना लें, तो ये वीडियो एक तरह से प्रूफ रहता है आपके लिए भी, एक विजुअल प्रूफ रहता है कि हल्को अगर कोई डिस्प्यूट रहता है तो आप उस वीडियो को देख के भी एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तीसरा, जब गाड़ी आप लोग रिसीव कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि जो आपने चेकलिस्ट बनाई थी उससे एक एक आइटम आपने चेक किया है, क्योंकि एक बार ट्रांसपोर्टर ने गाड़ी आपको हैंडओवर कर दी, उसके बाद अगर आप उसके पास जाते हैं क्लेम लेने के लिए तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा। इसके अलावा एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंश्योरेंस। आपको जब भी गाड़ी बुक करा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आप ट्रांसपोर्टर से पहले ही पूछ लें कि ये जो ट्रांसपोर्ट होने वाला है वो विद इंश्योरेंस है या विदाउट इंश्योरेंस है। बहुत बार ट्रांसपोर्टर कॉस्ट कम रखने के लिए गाड़ी में इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कोई डैमेज होता है, तो फिर एक डिबेटेबल इशू हो जाता है कि गाड़ी का जो डैमेज है वो किस इंश्योरेंस से क्लेम होगा। तो आप उससे पहले ही बात कर लीजिए और कि ये गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट होगी वो विद इंश्योरेंस होगी या विदाउट इंश्योरेंस होगी, और एज पर योर कन्वीनियंस आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस रहा और मैंने आपको प्रोसेस बताने की कोशिश करी, सो दैट अगर आप लोग भी सोच रहे हैं गाड़ी को ट्रांसपोर्ट कराने का, तो आई होप ये सब इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। आई होप आपको ये सब वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप इस तरह के वीडियोज़ में और क्या इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे, तो हम लोग आगे उसी तरह का वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।